अनजान आदमी पार्टी के समाजवादी पार्टी में विलय हो जाने के बाद में माना जा रहा है कि अब अखिलेश यादव की ताकत बढ़ गई है। आपको बता दें कि अनजान आम आदमी पार्टी एक लंबे समय से सामाजिक सरोकारों को लेकर, जन सेवाओं को लेकर एक लंबे समय से काम कर रही थी। इसके चलते एक लंबे समय से अपनी राजनीतिक पारी भी वो खेलते चले आ रहे थे। साथ में उनका उद्देश्य यही था कि तमाम जो लोग हैं यानी कि जनमानस से जुड़े हुए सरोकार हैं उनको लेकर काम किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में उन्होंने अखिलेश यादव को अपना विकल्प माना और उन्हें अंत में अपना नेता चुनते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनने की ठानी है। फिलहाल इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान उन्होंने बताया कि इस समय पूरे देश में जिस तरीके से पूरा माहौल है उसको लेकर उनको काफ़ी चिंता है। साथ में ही जो बिल्कुल धरातल पर जो काम होने थे वो नहीं हुए हैं, उनकी अनदेखी हुई है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो अखिलेश यादव के साथ में शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि उनका पूरी तरीके से समर्थन अखिलेश यादव को है और हालत में अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री चुन चुके हैं। फिलहाल इन सब के साथ में अब एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में अपनी भूमिका का निर्वहन करने जा रहे हैं। हमने किया तो हम देश की प्रदेश की जनता के लिए कोई हित का काम नहीं करेंगे। ये तो एक तरह से जैसे अन्य दल करते चले आए वैसे हम भी हो गए। तो हमारा किसी प्रकार का ऐसा नहीं है, सिर्फ एक उद्देश्य है कि अखिलेश जैसा युवा नेता प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बने, यही हमारी सोच है और इसके लिए हम हर प्रकार से समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित। मौजूदा सरकार की नीतियों का किस तरह से विरोध करेंगे गठबंधन के बाद? मौजूदा सरकार की नीतियों का जो हम खंडन करेंगे उसका सबसे बड़ा ये है कि मौजूदा सरकार जो कह रही है कर नहीं रही है। ये यहाँ से ही नहीं, आप केंद्र की सत्ता से सरकार से उठा के देख लीजिए, जो सरकार ने कहा है, जो या पूर्व में सरकार बनने गठन होने के पहले कहा, उस किसी भी नीति का उन लोगों ने पालन नहीं किया। सरकार तो ये भी पूर्ण बहुमत की है, आखिर आप लोग आगे कुछ मुद्दों को लेके आएंगे? अपराध है, भ्रष्टाचार है, कोई तो विजन होगा, क्या है मुद्दा? बिल्कुल, ये बिल्कुल कैसे आएंगे हम लोग? जो मेन मुद्दा आज की डेट में अपराध, बेरोजगारी और रोजगार परक लोगों को रोजगार से बेदखल करना, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, विकास की दरें आप प्रदेश को उठा के देख लीजिए, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कार्यों को दिशा दी थी लगभग एंड पोजीशन पे समाप्ति के कारण। फिलहाल इन सब के बीच अनजान आदमी पार्टी को कुछ लोग आप पार्टी के नाम से भी बुला रहे हैं और कहना है कि आप पार्टी का विलय हो जाने से भड़कंप मचा हुआ है।